अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने देखा है, आज हम बात करने वाले हैं मेरे मास्टर के, जिसके बारे में जिनको हमने कवर किया था कल की वीडियो में दिखाया था। आज उसके सारे कनेक्शन जो करने थे, बल्ब वगैरह लगाने थे, अलहदा अलहदा बटन लगाने थे, जो ऊपर कनेक्शन करना था वो सारा हो गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे और अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ दबा दें बेल आइकन को, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं परिंदों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। एंड एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, इसको तो आपने लाजमी पूरा करना है। मैंने एक व्लॉगिंग का चैनल बनाया जिस पे मैं डेली व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसका भी बेल आइकन ऑल पे कर देना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे इतना ज्यादा इन पे गुस्सा आ रहा है ना, आगे पीछे चुप रहते हैं एक हद तक, जब वीडियो बनाता हूँ तब ज्यादा ये शोर करते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना RDA फैमिली, ताकि मुझे पता चल जाए आप इधर से उधर आए हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल आपको दिखाया था ये सारा कवर किया हुआ था जो मैंने केज कवरिंग की थी। आज मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं, बल्ब इसके अंदर लगा दिए हैं, अलहदा अलहदा स्विचेज भी लगा दिए हैं। अभी मैंने ये कुछ देर पहले ही थोड़ा ग्रीन नेट आगे किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह से मैंने ये सारा कनेक्शन किया। 3 केजीज हैं, 3 बल्ब इसके अंदर लगा दिए, रिंगनेक के अंदर भी लगा दिया, लेकिन रिंगनेक को इतनी खास गर्माइश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना तब हम इसका बल्ब चलाया करेंगे। तो इन तीनों के अंदर 100 वाट के बल्ब लगा दिए मैंने। इसके ऊपर 2 केजीज के ऊपर मैंने लगाए हैं स्विच, ताकि अगर मैंने इसको नहीं चलाना तो ऊपर से मैं इसको बंद कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, अगर मैंने ये दोनों नहीं चलाने तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये दोनों बंद हो जाएंगे, और अगर सिर्फ उसको मैंने यूज़ करना तो फिर इसको ही दबाएंगे तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, वो चलता रहेगा। अगर ये सबका कनेक्शन आपने बंद करना है, और सामने एक छोटा सा मैंने लगाया है स्विच, उसको बंद करेंगे सारे बंद हो जाएंगे, उसको चलाएंगे तो सारे चल जाएंगे। इसका कनेक्शन मैंने किया ऊपर अपने बरामदे में, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उधर मैंने कर दिया। अगर मेरा दिल नहीं करता इधर आने का तो मैं उधर से वो बटन दबाऊंगा तो ये सारे चल जाएंगे, उधर से ही बंद कर दूंगा सुबह सारे बंद हो जाएंगे। अभी मैं आपको छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ, ये देखें ऑन और ऑफ का है, अभी ऑफ है सारे, तो अभी देखना ये देखें माशाल्लाह सारे चल गए हैं, ठीक, सब के अंदर बिल्कुल एक ही जगह पे लगाए हुए हैं, आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। अब देखें, अब ये तीनों का मैंने कनेक्शन कर दिया इसके साथ, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये तीनों बंद हो जाएंगे, अगर मैंने अलहदा अलहदा चलाना है तब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये वाला और ये चलाना है ना तो फिर मैं इसका जो बटन है ऊपर इसको बंद कर दूंगा, ये देखें देखें ये बंद हो गया, अभी ये दो चल रहे हैं। अगर मेरा दिल है कि ये दोनों मैं बंद कर दूं और वो सिर्फ चलता रहे रिंग नेक का, तो देखें अभी देखें अभी ये दोनों बंद हो गए हैं, वो रिंग नेक का चलता रहेगा। अगर मैं वो भी चाहता हूँ कि वो भी बंद हो, मैं उधर से बंद कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये दोनों चलें तो मैं इसको बंद कर दूंगा और ये भी हमारा साथ चलता रहेगा, ये देखें ये चलते रहेंगे, ये बंद हो जाएगा। अच्छा, इसको भी मैं चला देता हूँ अभी के लिए, वैसे अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है इनका जो बल्ब है उसको चलाने की, क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है, क्योंकि मैंने ये कवरिंग कर दी है ना, उससे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कभी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोहरा पड़ने लग जाता है या धुंधे होने लग जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाती है, तब ये तीनों मैं चला सकता हूँ। अगर रिंग नेक को वैसे इतनी खास ज़रूरत नहीं होती तो मैं उनका जब दिल करेगा मेरा बल्ब उसका मैं निकाल दूंगा, ये दोनों चलाऊंगा मैं। अब ऊपर जो मैंने स्विच लगाए हैं उनका मकसद इस तरह से क्या है कि मैंने इनको टाइल के ऊपर रखा हुआ है, ये देखें अभी के लिए ग्रीन नेट सारा ऊपर किया हुआ है। अगर कल को यहाँ पर पानी रुकता है इस शॉपर के ऊपर तो उससे हमारे ये जो स्विच हैं उनको कोई मसला नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारे ये बल्ब वगैरह वो नहीं जलेंगे, मतलब वो ख़राब नहीं होंगे। मैंने हर स्विच को टाइल के ऊपर रख दिया है ताकि पानी नीचे नीचे रहे, उसके ऊपर ना आए, अगर आता भी है तो उधर से कोई मसला ना बने, क्योंकि मैंने उसके ऊपर टेप इतनी लगा दी है ना कि वह एक तरह से वाटर प्रूफ वाला ही काम हो गया है। ये दोनों स्विचों के ऊपर मैंने इसी तरह किया है, वो टाइल नीचे रख के ऊपर स्विच रखा हुआ है, और वो लास्ट वाला है उसके अंदर स्विच नहीं है, वो डायरेक्ट ही है, क्योंकि उसका मुझे इतना समझ में नहीं आया वहाँ पे एक और अजाफी लगाना, क्योंकि वही एक लगाया हुआ, अगर इसको बंद करना तो उधर से ही हो जाया करेगा। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको टेप वगैरह लगा के फुल वाटरप्रूफ कर दिया हुआ है, ताकि कल को अगर तार को थोड़ा बहुत पानी भी लगे तो उससे कोई मसला ना बने, मैंने अच्छे से टेप से कवर कर दिया है। ये वाले अभी मैंने थोड़ी देर हो गए नीचे किए, अंदर के माहौल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर अकेला फिशर फिर रहा है,
ये भी बेचारा, ज़्यादा मसला इसका ही था क्योंकि ये बिल्कुल ओपन था। ये मैंने कल थोड़ा काम करना था जिसकी वजह से मैंने ये खोल दिया, लेकिन अब ये खुला भी रहे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि अब नीचे ठंड नहीं आएगी, नीचे शापर है। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर इंशाल्लाह और लाएंगे। ये हमारा रिंग नेक है जी। अब आप कह रहे होंगे कि आपने इतने बड़े केजेस बनाए हैं तो इसका आप बता दें कि मैक्सिमम ये सब जो आज लाइटिंग की है इसके ऊपर कितना खर्चा आया है। इसमें तकरीबन हमारी 15 गज तार इस्तेमाल हुई है, मैं 16 गज या 17 गज मेरे ख्याल से लेके आया था, एहतियातन थोड़ी सी कि बढ़ जाए तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके दो तीन स्विच लाया हूँ, तीन होल्डर लाया हूँ, 300 वाट के बल्ब लेके आया हूँ, एक छोटा स्विच लाया हूँ, उसके बाद कुछ पैकेट एक पैकेट लाया हूँ, ये जो पिन लगी हुई है ना जिससे तार को मैंने एक जगह पे रखा हुआ है ये लेके आया हूँ, उसके बाद कुछ कील थे वो हमें काम नहीं आए। तो ये तकरीबन सारा सामान मुझे मिला था 1250 रुपये का सिर्फ ये लाइट का। उसके बाद ये शॉपर तकरीबन आया था 550 का या 600 का ये शॉपर आया था, और हमारा ये सारा काम मेरे देखने में ना 2000 के आसपास हो गया है। ये सारा सर्दी का इंतज़ाम हमारा हो गया, अब ठंड की वजह से हमारा कोई इंशाल्लाह परिंदा नहीं मरेगा, वैसे अगर अल्लाह की तरफ से आई हुई तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी अगर आपका भी कोई इस तरह से, ये देखें इसके काम देखें, बाकी अगर आपका भी कोई इस तरह से सेटअप है और अभी तक आपने कोई इसकी सर्दी का इंतज़ाम नहीं किया, कोई बल्ब नहीं लगाया, कोई किसी किस्म का कुछ इंतज़ाम नहीं किया, तो वो कर लें क्योंकि इसके बाद अब ठंड मज़ीद बढ़ेगी जिसकी वजह से परिंदे आपके बीमार होना शुरू होंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें और भी लेके आनी है जिसके अंदर क्या है कि इनकी मेडिसिन लेके आऊँगा फुल, दाना तो इनका सारा ला के रखा पड़ा है। उसके बाद ये तो खैर बाद में करूँगा ना इंशाल्लाह मैं, लेकिन आज की अपडेट यही थी कि मैंने ये यहाँ पे लाइटिंग भी इसकी सारी कर दी है। अगर आपने नहीं की तो आप भी टाइम से कर लें। उम्मीद है कि आपको ये जो लाइटिंग मैंने की है आपको सारी पसंद आई होगी। कनेक्शन जो मैंने किए हैं अभी ग्रीन लाइट ऊपर है, अभी थोड़ी देर तक इसको फुल आगे कर देंगे, हालांकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अगर ये फुल पीछे भी रहे ना तो अभी हमारे परिंदे इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी सब्जियां लगी हुई हैं ये सारा कुछ इनको अब ज़रूरत है ठंड से बचाव की, इसलिए इसको थोड़ी देर तक आगे कर देंगे। बाकी आज के लिए हमारी वीडियो इतनी है, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरे चैनल का जिक्र भी किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। उस पर मैं डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि फैमिली के अंदर बैठ के ही देखने वाला है कॉन्टेंट मैं बनाता हूँ, ठीक है। ज़रूर से एक दफ़ा उस पर विज़िट ज़रूर करना, ठीक है जी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद अल्लाह ताला वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दे ही दें। लेकिन आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।